दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लो। It's open. It's open. I don't go out on dates with guys who don't open the door for me. Really? Really. Seriously? Yes. Oh man. No, he didn't. Well, जैसा कि आपने देखा कि कैसे वो सिग्मा मेल ने लड़की के मुंह पर उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो लड़की अपने आप को सिग्मा मेल के सामने सुपीरियर दिखा रही थी। आप में से कई लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस होंगे, जैसे कि ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने वाले लोगों के साथ कुछ ऐसे ही तरीके से बिहेव करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी दुनिया उन्हें अप्रिशिएट करती है। और दोस्तों, लड़कियां तो इनके पीछे पागल होती हैं, लेकिन यहां पे सवाल ये आता है कि वो आखिर ये करते क्यों हैं? और तो और, क्यों हाई वैल्यू मैन के इग्नोर किए जाने के बाद भी लड़कियां उनके पीछे पागल होती हैं? लड़कियों को इग्नोर करने के पीछे ऐसी कौन सी साइकोलॉजी या मिस्ट्री छुपी हुई है? तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक, इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हु इज अ हाई वैल्यू मैन? आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि एक हाई वैल्यू मैन किसे कहते हैं। तो अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो 1000 BCE में ग्रीक लोगों ने अपने खुद के अल्फाबेट्स बनाए, जिसका पहला अल्फाबेट बना अल्फा, जो कि दिखने में कुछ ऑक्स के हेड जैसा दिखता था, लेकिन एक्चुअल में वो सिंबलाइज करता है मोस्ट वाइल्ड एंड डोमिनेटिंग क्रिएचर वॉल्फ को, क्योंकि वॉल्फ कैरिंग और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे रहता है। वॉल्फ के ग्रुप्स में एक रिचुअल होता है जहां पे वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब पैक ऑफ वॉल्फ हंट करके खाना लाते हैं, तो वो सबसे पहले अपने ग्रुप के ओल्डेस्ट वॉल्फ को खाना सर्व करते हैं, फिर फैमिली को और फिर खुद खाते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए, ये वॉल्फ कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनते और ना ही वो मुसीबत के समय अपने परिवार को अकेला छोड़ते हैं, इसलिए उनके लीडर को अल्फा कहा जाता है। अब समय के साथ साथ ग्रुप में रहने वाले ह्यूमंस ने भी वॉल्फ की इसी क्वालिटी को सालों पहले अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए ग्रुप या सोसाइटी में रहने वाला एक ऐसा मैन जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत खुद रखता है, और साथ ही वो खुद में इतना पावरफुल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और वैल्यू एंड एथिक्स से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी उसकी तरह ही बनना चाहती है, तो उसे ही सही मायने में एक अल्फा मेल या एक हाई वैल्यू मेल कहा जाता है। अब बहुत ही ऑब्वियस बात है कि काफी सारी लड़कियां और वुमेन ऐसे अल्फा मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो उन्हें किसी भी कीमत पर पाना ही चाहती हैं। लेकिन एक हाई वैल्यू मैन आसमान में उड़ रहे बाज की तरह होता है, जो नीचे उड़ रही तितलियों पर कभी ध्यान नहीं देता। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। प्रिंस चार्ल्स एंड सर रतन टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साल 2008 में प्रिंस चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में पूरी दुनिया के सामने सर रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अब इस इवेंट को मैनेज करने के लिए तो सर रतन टाटा के एम्प्लॉयज लंदन पहुंच चुके थे, लेकिन सर रतन टाटा अब तक लंदन नहीं पहुंचे थे, इसलिए प्रिंस चार्ल्स और बाकी सारे बड़े लोग टाटा जी का इंतजार करने लगे थे। तभी रतन टाटा जी ने इंडिया से अपने एम्प्लॉयज को कॉल किया और बताया कि टेंगो और टीटो, जो कि उनके कुत्तों के नाम है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा और ये बात तुम प्रिंस चार्ल्स को बता देना। अब ये बात सुनकर तो उस एम्प्लॉय के होश ही उड़ गए, जिसके बाद उस एम्प्लॉय ने फंबल करते हुए कहा कि सर, वो तो सिर्फ आपके डॉग्स हैं, सिर्फ उनके लिए आप प्रिंस चार्ल्स के इवेंट पर जाने से कैसे मना कर सकते हो? जिसके बाद सर रतन टाटा ने कहा कि आई एम सॉरी, बट मेरे डॉग्स मेरी फैमिली का एक हिस्सा है और मैं मुसीबत के समय अपनी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहकर सर रतन टाटा ने अपना फोन कट कर दिया। इसके बाद उस एम्प्लॉय की हालत खराब हो गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात प्रिंस चार्ल्स को कैसे कहेंगे। लेकिन आखिरकार जब उन्होंने ये बात प्रिंस चार्ल्स को बताई, तो प्रिंस ने नाराज होने के बजाय बड़े ही प्राउडली कहा कि दैट्स अ ट्रू साइन ऑफ अ रियल अल्फा मेल, जो कि किसी भी हालत में अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ता। अब दोस्तों, इसी सिचुएशन में कोई आम इंसान होता तो शायद वो अपने डॉग्स को किसी अच्छे हॉस्पिटल या नर्सिंग केयर में एडमिट करके प्रिंस चार्ल्स के पास लंदन चला गया होता, लेकिन सर रतन टाटा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जो ये डायरेक्टली प्रोपेगेट करता है कि वो एक हाई वैल्यू मैन है, और इसीलिए पूरी दुनिया भी सर रतन टाटा को दिल से रिस्पेक्ट करती है। यानी जब बात फैमिली की आती है, तो हाई वैल्यू मैन लड़कियां तो क्या, किसी महाराजा को भी इग्नोर करने से पीछे नहीं हटती। हाई वैल्यू मैन कीप देयर नीड्स एंड इंपॉर्टेंस फर्स्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक हाई वैल्यू मैन हमेशा खुद की इंपॉर्टेंस और नीड्स को सबसे पहले रखता है, तो शायद आप अज्यूम करोगे कि एक हाई वैल्यू मैन सेल्फिश होता है। अब आपका अजम्पशन ये पॉइंट पे कम्प्लीटली रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि आखिर एक हाई वैल्यू मैन ऐसा करता क्यों है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक हाई वैल्यू मैन बोट को चलाने वाले कैप्टन की तरह होता है, जहाँ पे जिस बोट में करीब 1000 लोग बैठे हुए हैं, जिन्हें सही सलामत घर ले जाने की जिम्मेदारी एक कैप्टन की होती है। इसलिए एक कैप्टन को यह पहले से पता होता है कि उसे कितने समय में कौन से डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है।
लेकिन वहीं अचानक से उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसे ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग कैप्टन को क्या करना चाहिए? आप अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि रियलिटी में देखें तो इस पॉइंट पर कैप्टन के पास दो रास्ते हैं। पहला ये कि वो बंदा सेल्फिश और रूड बन के लोगों को इग्नोर करते हुए बस आगे बढ़े और खुद की सुने, और दूसरा ये कि वो लोगों को खुश करने के लिए अपनी बोट को उनकी बताई हुई बातों के बेसिस पर चलाने लगे। वेल, एक जिम्मेदार कैप्टन कभी भी लोगों की बातों में आकर अपनी बोट को एवी नहीं चलाने लगता, बल्कि वो अपने प्लान और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही बोट को डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। ठीक इसी तरह एक हाई वैल्यू मैन सेल्फिश और रूड बनते हुए उसे जो करना होता है वही करता है, और ऐसे लड़के लड़कियों को इग्नोर करने से भी बिल्कुल नहीं डरते। डू हाई वैल्यू मैन डोंट लाइक गर्ल्स एट ऑल? तो क्या इसका मतलब यह है कि एक हाई वैल्यू सिग्मा मेल कभी किसी लड़की को पसंद ही नहीं करता? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके बारे में एक डेटिंग वेबसाइट ई हार्मनी ने एक रिसर्च कंडक्ट की, जहां साइकोलॉजिस्ट ने यह पता लगाया कि असल में हाई वैल्यू मैन सिर्फ उन्हीं लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर उनकी मम्मी की तरह सिमिलर क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं। यानी किसी हाई वैल्यू मैन की मम्मा काइंड नेचर वाली स्ट्रांग वैल्यू के साथ लोगों की रिस्पेक्ट करती है, तब ऐसे केसेस में उस वुमेन का बेटा अपने लिए ऐसी ही वुमेन तलाश करता है जिसमें ये सारी क्वालिटीज होती हैं। जिसके बारे में रैशल लॉयड, जो कि खुद एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, वो ये बताते हैं कि जब एक बच्चा अपनी मम्मा को देखते हुए बड़ा होता है, तब एक्चुअल में उस बच्चे को अपनी माँ से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो ये देखता है कि कैसे उसकी माँ पूरे घर को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है। तब ऐसे मर्द के लिए सिर्फ उसकी माँ एक आइडियल वुमेन बन जाती है, जिसके बाद हाई वैल्यू सिग्मा मेल ऐसी सिमिलर क्वालिटीज वाली लड़कियों के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तब इस केस में एक हाई वैल्यू मैन तुरंत ही ऐसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वह दूसरी लड़कियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उन्हें इग्नोर करते हैं। हाई वैल्यू मैन आर गोल ओरिएंटेड, लेकिन इस बीच में इग्नोर करने का सबसे बड़ा रीजन रिसर्चर्स को ये मिला है कि हाई वैल्यू सिग्मा मेल्स आर मोस्टली गोल ओरिएंटेड। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां पर उन्होंने 109 लोगों को 3 रैंडम ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सबको एक एक टास्क दिया, जहां ग्रुप ए से कहा गया कि वो बस ये टास्क को कंप्लीट करें, पर यहां पे उन्हें कोई भी स्पेसिफिक गोल या टारगेट नहीं दिया गया था। वहीं ग्रुप बी से कहा गया था कि उन्हें एटलीस्ट 10 करेक्ट आंसर्स देने। वहीं ग्रुप सी को कहा गया था कि उन्हें एटलीस्ट 15 करेक्ट आंसर्स देने। वेल, जब ये तीनों ग्रुप्स के लोगों के रिजल्ट डिटेल में एनालाइज किए गए, तब रिसर्चर्स शॉक में चले गए, क्योंकि इस रिसर्च में सामना आया कि जो मेल्स ग्रुप बी और सी में थे, यानी जिन्हें स्पेसिफिक गोल से टारगेट दिया गया था, ऐसे मेल्स की परफॉर्मेंस बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में कई गुना बेटर थी। जिसके बारे में रिसर्च लीड सैमुअल स्मिथर्स ये बताते हैं कि जब हाई वैल्यू सिग्मा मेल के सामने उनका गोल क्लियर होता है, तब ऐसे मेल्स अपने गोल को पूरी तरह से अचीव करने के लिए फोकस्ड हो जाते हैं, और ये फोकस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ऐसे मेल्स पूरी डोमिनेशन के साथ हर एस्पेक्ट को कॉन्कर कर लेते हैं। और जब बात लड़कियों की आती है, तो ये सख्त लौंडे बन जाते हैं, और जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, तब तक किसी लड़की के साथ इंडल्ज नहीं करते। हाई वैल्यू मैन चूज टू बी मिस्टीरियस। वहीं हाई वैल्यू मैन के मिस्टीरियस माइंड को डिटेल में समझने के लिए एरिन रिचर्ड्स ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां रिसर्चर्स ने 47 लड़कियों को यह बताया कि उनके रिसर्च के मुताबिक काफी दिन से कुछ लड़के उनके फेसबुक प्रोफाइल को स्टॉक कर रहे हैं, और हमने उन लड़कों से बात करके उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहले ग्रुप के लड़के लड़की के प्रोफाइल को हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेटिंग दे रहे थे, यानी ये उन लड़कों में से थे जो जेन्युइनली लाइक करते थे, उस लड़की को पसंद करते थे। वहीं दूसरे ग्रुप के लड़के उन लड़कियों के प्रोफाइल को यूं ही स्टॉक कर रहे थे, उन लड़कों के मन में लड़कियों को लेकर कोई खास फीलिंग नहीं थी, वो तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। वेल, तीसरी कैटेगरी में ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आपको हाईएस्ट रेटिंग तो दी है, लेकिन इनके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वो आपको जेन्युइनली पसंद करते भी हैं या नहीं, या वो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप इन तीनों लड़कों की कैटेगरी में से किसको मिलना पसंद करेंगे? यहाँ पर रिसर्चर्स को यही लग रहा था कि लड़कियां फर्स्ट कैटेगरी के लड़कों को मिलना पसंद करेगी, क्योंकि वो लड़के जेन्युइनली लड़कियों की तारीफ करते थे, उन्हें पसंद करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि रियलिटी में वो लड़कियां तीसरे ग्रुप के लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई, जिनकी फीलिंग्स या लाइकिंग के बारे में किसी तरह का रिकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं था? ये क्रेजी लगता है ना। वहीं दूसरी तरफ जिन लड़कों की फीलिंग्स के बारे में लड़कियों को पता था कि वो लड़के जेन्युइनली उनसे प्यार करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, तो उन्हें लड़कियों ने भाव नहीं दिया, जिसे हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जब लड़की को पता होता है कि सामने वाला लड़का उससे प्यार करता है, तब लड़कियां उन्हें जानबूझकर फ्रेंड जोन कर लेती हैं और हमेशा उन मिस्टीरियस लड़कों के पीछे पागल रहती हैं जिसकी फीलिंग्स का उन्हें कुछ पता नहीं होता। जैसे कि ये लड़का मुझे पसंद करता भी है या नहीं, क्या वो मेरे बारे में सोचता भी होगा, क्या उसे मेरा नाम भी पता होगा, क्या उसने कभी मुझे नोटिस भी किया होगा।
इसीलिए एक हाई वैल्यू मैन हमेशा लड़कियों के सामने अपने आप को पूरी तरह से रिवील नहीं करता और अपनी पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बना के रखता है, जिसके बाद लड़कियों को हजार बार रिजेक्ट करने के बावजूद भी लड़कियां उनके पास ही जाने की कोशिश करती हैं और हर कीमत पर ऐसे ही मिस्टीरियस लड़कों को पाने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, यही कुछ 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से हाई वैल्यू मैन आपको लड़कियों को इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप तीनों ग्रुप के लड़कों में से कौन से ग्रुप में आते हो, और वहीं अगर आप एडवांस कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो और ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस को हर हफ्ते देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। घंटी वंटी नहीं दबाई हो तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।